भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वास्तव में युद्ध होना अवश्यंभावी था, क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी, इसको कोई भी टाल नहीं सकता था। स्वयं भगवान ने विश्वरूप दर्शन के समय अर्जुन से कहा है कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ और सबका सहार करने के लिए यहाँ आया हूँ, इसलिए तेरे युद्ध किए बिना भी ये विपक्ष में खड़े योद्धा लोग बचेंगे नहीं, इसलिए यह नरसंहार अवश्यंभावी होनहार ही था। यह नरसंहार अर्जुन युद्ध न करते तो भी होता। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो जिन्होंने माँ की आज्ञा से द्रौपदी के साथ अपने सहित पांचों भाइयों का विवाह करना स्वीकार कर लिया था, वे युधिष्ठिर तो माँ की युद्ध करने की आज्ञा से युद्ध अवश्य करते ही भीमसेन भी युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्होंने कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। द्रौपदी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर मेरे पति पांडव कौरवों से युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता द्रुपद भाई धृष्टद्युम्न और मेरे पांचों पुत्र तथा अभिमन्यु कौरवों से युद्ध करेंगे। इस तरह ऐसे कई कारण थे जिससे युद्ध को टालना संभव नहीं था। होनहार को रोकना मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है और कर्तव्यच्युत होकर अपना पतन कर सकता है। तात्पर्य है कि मनुष्य अपना इष्टनिष्ट करने में स्वतंत्र है, इसलिए भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य का ज्ञान कराकर मनुष्य मात्र को उपदेश दिया है कि उसे शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहना चाहिए। इसके आगे का शॉर्ट्स देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।